नमस्कार, जनवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आराधना तिवारी। आज की प्रमुख खबरें। जसवंत नगर में निकली स्कूल चलो अभियान रैली। इटावा का अंडरब्रिज बना झील। लाल बाबा ने किया बारादरी में भंडारे का आयोजन। इटावा की कचहरी बनी तालाब। इटावा सीडीओ ने विकास भवन में की मीटिंग। अब खबरें विस्तार से। खबर जसवंत नगर से है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से निकली रैली जो कि स्कूल चलो अभियान को बढ़ावा दे रही थी, नगर वासियों में चर्चा का विषय बनती दिखाई दी। एसडीएम जसवंत नगर द्वारा इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों से यह रैली गुजरी। जसवंत नगर के प्राथमिक विद्यालय से निकाली गई स्कूल चलो अभियान की रैली नगर वासियों में अपना आकर्षण बनाती देखी गई। लंबी छुट्टियों के बाद पुनः स्कूलों के खुलने पर यह रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराकर उनको पढ़ाने को लेकर होता है। एबीएसए की उपस्थिति में निकाली गई यह रैली नगर के मुख्य मार्गों रामलीला रोड, कैस हाईवे से निकलकर बस स्टैंड होते हुए वापस स्कूल में जाकर समाप्त हुई। एसडीएम जसवंत नगर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर आरंभ की गई यह रैली स्कूल चलो अभियान को लेकर नगर में काफी चर्चा में रही। इस रैली में मुख्य रूप से विनोद कुमार यादव अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ जसवंत नगर हरि कुमार समन्वयक, वीआरसी जसवंत नगर राजवीर यादव, राजेश पांडे, प्रवीण ने बच्चों को लाइन में लगाकर और उनकी सुरक्षा कर नगर भ्रमण किया। एबीएस रामशंकर कुरील ने हमें बताया कि लोगों में एक जागरूकता भरने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषकर ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कि झोपड़ियों में है, रेलवे स्टेशन के पास है, बस स्टैंड के पास है, तो उनको हम चिन्हित करके उनको विद्यालय में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर एक स्कूल चलो अभियान की ब्लॉक स्तरीय रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग 300-400 बच्चों ने प्रतिभाग किया और सुबह उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका झंडी दिखा करके शुभारंभ किया गया है। सर, शिक्षा अभियान शासन के द्वारा इतने अच्छे तरह से चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, क्या वजह रहती है? नहीं, कमियां देखिए ऐसा है कि संबंध में तो सारे बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है, उनको निःशुल्क पाठ पुस्तकें दी जा रही हैं, मिड डे मील दिया जा रहा है, तो नामांकन सारे बच्चों का हम करा रहे हैं और जो कमियां पिछले सालों का रह गई हैं तो उनको हम इस साल पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारा शिक्षा अधिकार अधिनियम भी लागू हो चुका है, तो इस साल हम कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। खबर इटावा के अंडरब्रिज से है। आज हुई बारिश ने तमाम वाहनों का चक्का जाम होते इस पुल में देखा गया, परंतु अचंभा तब हुआ जब एक रोडवेज बस जो कि पूरी यात्रियों से भरी थी बीच पुल में पानी के कारण फंस गई, जिसको लेकर यात्रियों में बहुत दहशत दिखाई थी। इटावा का अंडरब्रिज इस बारिश में लोगों के लिए नरक बना हुआ है। आज हुई बारिश में पुल के अंदर भरे पानी ने तमाम गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए हैं। कारें, मोटरसाइकिलें, मैजिक वाहन और रोडवेज की बस भी डूबकर रुक गई। जिसने भी निकलने का प्रयास किया वहीं फंसा दिखाई दिया। शासन की बेरुखी का शिकार यह पुल कई वर्षों से ऐसे ही हर बारिश में लोगों के आंसू निकालता है। जिस समय यह पुल निर्माणाधीन था तब इस इलाके के लोगों में एक उत्साह था कि जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तब बहुत आराम हो जाएगा। लगभग 2 वर्षों तक बनने वाला यह पुल, जिसको लेकर लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी, अब आंसू बहा रहे हैं। पानी फेंकने को लगा यह पंप पीडब्ल्यूडी के आशीर्वाद से गायब हो चुका है। जब था तब भी पुल में ऐसे ही पानी भरता था, आज एक रोडवेज की बस फंसकर जस की तस खड़ी हो गई। काफी देर तक सवारियों ने बस खींचने को लेकर इंतजार किया, परंतु बाद में धीरे धीरे पानी में तैरकर यात्री बाहर आए। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र पाठी। प्रकाश जी, इस पुल के ऊपर, पुल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, बसें फंस जाती हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, कितना आप लोगों को, इस क्षेत्र के रहने वालों को दिक्कत होती है? काफी लोगों को साहब दिक्कत होती है, पूरे क्षेत्र भरे हुए। किस तरीके से आप लोग रास्ता पार करते हैं उधर? ये रेलवे लाइन और जब
उसका पानी निकल जाता है तभी रास्ता पार करती है। जो जो पुल बना है आपकी निगाह में कितना कामयाब है जो पुल? ये साहब जो है मुश्किल से 30% कामयाब है। आपके हिसाब से बिल्कुल खराब पुल है, इसमें जो पैसा लगा है वो व्यर्थ में गया है। जो लोग फंसे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं बस में, क्या कहना उनके बारे में? उनको साहब बहुत भारी कठिनाई होती है निकलने में साहब, कोई बीमार है कोई कैसा भी है। जो लोग फंसे हैं उसमें बीमार लोग भी हैं जी है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रशासन से इस पुल को लेकर? इसकी साहब जो है समुचित व्यवस्था की जाए। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, खबरें भी और भी है। जनवाड़ी आपकी आवाज आपका फैसला। इटावा जिले में अपने विज्ञापन एवं कार्यक्रम प्रसारण हेतु संपर्क करें 0568869815594125005 9412419019 9219244416। क्या आप समाचार एंकर बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो संपर्क करें जनवाड़ी ऑफिस 680 सिविल लाइन इटावा, कॉन्टैक्ट नंबर 9412500507 9412419019। क्या आप समाचार एंकर बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो संपर्क करें जनवाड़ी ऑफिस 680 सिविल लाइन इटावा, कॉन्टैक्ट नंबर 9412500507 9412419019। आपका फिर से स्वागत है। खबर इटावा के सुमेर सिंह किले के पास स्थित बारादरी से है। यहाँ आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन किया गया। लाल बाबा द्वारा आयोजित यह भंडारा